स्टेशन से 15 महीने बाद जलियांवाला बाग एक्सप्रेस अमृतसर के लिए रवाना हुई। सांसद विद्युत वरण महतो ने हरी झंडी दिखाई। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार की पहल से ट्रेन शुरू हुई है जो कोरोना संक्रमण के कारण बंद थी। 15 महीने से टाटा नगर से अमृतसर के लिए जलियांवाला बाग एक्सप्रेस बंद थी। इसे शुरू करने के लिए शहर के सिख समाज के लोगों के साथ साथ कई संस्थाओं ने लगातार उनसे मुलाकात की थी। उनके प्रयास से टाटा नगर से अमृतसर के लिए जलियांवाला बाग एक्सप्रेस रवाना हुई है। उनके अनुसार फिलहाल सप्ताह में अभी 2 दिन ही ट्रेनों का परिचालन हो रहा है, पर इस संबंध में आगे प्रयास कर पूरी कोशिश की जाएगी कि ट्रेन का फेरा बढ़ाया जाए। सांसद के अनुसार टाटा नगर से जम्मू तवी एक्सप्रेस का परिचालन भी जल्द शुरू किया जाएगा। रेलवे बोर्ड से वार्ता चल रही है। उन्होंने कहा कि बिहार मार्ग में बक्सर के लिए अतिरिक्त ट्रेन को लेकर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, रेल मंत्री और आरा बक्सर के सांसद से भी लगातार वार्ता हो रही है। मैं खास करके सभी जमशेदपुर वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लोग बार बार इस प्रॉब्लम को मेरे बीच में लाते रहे। इसमें खास करके हमारे सिख भाई बंधु लोग जो हैं, चाहे जितने भी प्रधान हो, हाँ करीब करीब सभी प्रधान जी लोग, इंदर जी जो पटना जी वो तो एक टीम लेके भी गए थे, जिसमें हम लोग जाके माननीय मंत्री से उस समय तुरंत मुलाकात किए, चेयरमैन से मुलाकात किए, शैलेंद्र जी हैं ये भी एक बार गए थे, और गुरुदीप जी राजा जी जो हैं वो भी कई बार टेलीफोन के माध्यम से बोले कि दादा ये वाला अमृतसर बहुत जरूरी। आज हम महसूस कर रहे हैं कि जो मध्यवित्ती परिवार है, सब तो हवाई जहाज़ और इसमें नहीं जा सकते हैं, बाई रोड नहीं जा सकते हैं, तो आज के परिप्रेक्ष्य में खड़े ये तो अमृतसर माने पंजाब के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन साथ साथ हमारा बिहार और यूपी का एक बहुत बड़ा इलाका को जो है कवर करता है। अभी तो 2 दिन है, जीएम वगैरह से बात हुआ, बोला हमने इसको फेरा बढ़ा दीजिए, कम से कम तत्काल 3-4 दिन कर दीजिए, बाद में वीकली कर दीजिएगा हो सके तो। उन लोग भी देख रहे हैं कि यहाँ का डिमांड बहुत ज़्यादा है, इन लोगों का कहना कि हम लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं, फेरा भी इनके लिए बढ़ाएंगे। अभी तो 3 टायर ACO कर दिया है, तो हमने मांग किया कि भाई ये 3 टायर AC ठीक है, लेकिन सेकेंड AC और यह तो 3 टायर AC को ही और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो हम लोग देख लेंगे अभी इसी पता चला। देख रहे हैं आज पहला दिन जो गया था, जिस तरह का अच्छा खासा मतलब लोग गए सफर किए इसमें, तो हमें खुशी हो रही। लगातार जो है एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन है, क्योंकि 1.5 साल से बंद था, आज खुशी की बात है। हमारे महानगर के युवा अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, बंटी जी हैं, हमारे राजा जी वो शिमू भाई हैं, मंजीत भाई हैं। अच्छा एक चीज़ और बताइए ना जी, जम्मू तभी भी तो पंजाब को फायदा पहुंचाती जी, यूपी को फायदा, लेकर क्या जम्मू तवी के लिए पर हम लोग बात किए थे, है ना, तो उसमें चेयरमैन बोले कि अभी जो है एक एक ट्रेन को हम लोग छोड़ रहे हैं, और जम्मू तवी के लिए भी और भी जो दूसरे स्टेट का है वो लोग भी इस चीज़ को बात किया कि उसको भी एक बार शुरुआत कर दिया जाए। तो इस संबंध में कम से कम 2 बार पीयूष गोयल जी से बात किया, तो चेयरमैन को हम भेजे थे, चेयरमैन से बात किए, बोला हम लोग माहौल थोड़ा देख रहे हैं, धीरे धीरे उसको भी स्टार्ट करेंगे। और LFP वाला तो अभी तत्काल जो एक ट्रेन दिया है, इसमें विजयवाड़ा जो है इसके लिए दूसरे ट्रैक पर जाता है, विजयवाड़ा नहीं पहुंचता, तो उस जगह के लोगों को हमने कहा कि आंध्र प्रदेश के काफ़ी सारे लोग जो हमारे इस क्षेत्र से गुजरते हैं, वो वाला जो पहले ट्रेन थे LFP उधर से गुजरता ही थे, लेकिन अब इसका ट्रैक दूसरे तरफ हो जाने से वहाँ के लोगों का दिक्कत हो रहा है। साथ साथ हम बोले कि क्योंकि मेरा यहाँ एयरपोर्ट का कोई सुविधा नहीं है, चेयरमैन और पीयूष गोयल जी से दोनों से मेरा माननीय मंत्री जी से बातचीत हुआ है, उनको हम अगर इसमें जोड़ सकते हैं तो ठीक है, LFP को स्टार्ट कर दीजिए, अन्यथा जो हम वर्षों से मांग रहे हैं एक सुपर फास्ट ट्रेन जो है सीधा विजयवाड़ा होते हुए जो कटपड़ी होते हुए सीधा इसको बेंगलोर तक, जो कि स्टॉपेज बहुत कम हो, जिसमें स्टूडेंट लोग उसको मेकअप कर सके, एक स्पेशल ट्रेन, तो इसको भी उन्होंने बोला कि चेयरमैन इसको भी संज्ञान में ले और पीयूष गोयल जी भी ले। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जवान, चुप रहे हर इंसान,
कृषि मंत्री राह दिखा ले।